वाओ लगा हुआ है ना, ये दिखता नहीं जबरदस्त यार, ये कलर कितना प्यारा है। कोई 10,000 के यार, 10,000 को छोड़ो, मैं प्राइस दे दूंगी लेकिन डिलीवरी चार्जेस मुझसे नहीं दिए जाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन जी? मैं अली, मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर ऑफिस बॉयज या स्वीपर्स की कोई जगह खाली नहीं है। जी नहीं मैडम, मैंने यहाँ पे आईटी इंजीनियर के लिए अप्लाई किया था, उसकी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। आईटी इंजीनियर के लिए? हाँ जी। मिस्टर अली, ये इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, आपने अपना हुलिया देखा है? आने से पहले अपना हुलिया ही ठीक कर लेते। खैर आप बैठे इंतजार करें, मैं बताती हूँ आपको। यार कैसे कैसे लोग आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। कितना टाइम लगेगा यार? सर सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। मजीद कितना टाइम? सर 5 से 10 मिनट सर, मैं कर रहा हूँ। जल्दी करो, सुबह से कंपनी का सर्वर डाउन है यार। जी जी सर, मैं कर रहा हूँ। यार आना तुमने देखा था कैसे कैसे लोग आए थे इंटरव्यू के लिए? स्लिपर्स में आ जाते हैं, स्लिपर्स में। अजीब यार, ये भी तो क्या होता है। कंपनी का सर्वर हैक हो गया यार, ये इस कंपनी की प्राइवेसी पे सवाल है। आप जल्द से जल्द जल्दी से आईटी एक्सपर्ट को अरेंज करें और मुझे फौरन ये सर्वर रिकवर चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? तुम कौन हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? सर मैं अली, आईटी एक्सपर्ट। मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुना, मैं आपका सर्वर रिकवर करने में मदद कर सकता हूँ। कर लोगे ये काम? मैं कर सकता हूँ। आओ मेरे साथ चलें। फौरन आओ। कितना टाइम है? सर, तुम जरा 2 मिनट बाहर आओ, तुम बाहर आओ, जरा जल्दी आओ। आए यहाँ पर कितनी देर में कर लेंगे अंदाजन आप? बस सर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मैं आपको रिकवर कर दूंगा फौरी। फौरन करें, फौरन करें। हाँ लड़के, क्या बना? सर रिकवर हो गया सर्वर। सर्वर रिकवर हो गया? हाँ जी सर। वाह यार कमाल, ये पकड़ो यार तुम, ये लेके चलो। वेल डन यार, वेल डन। आओ लड़के, तुमने तो मेरा बड़ा मसला हल कर दिया यार। थैंक यू सर। वैसे बाय द वे तुम यहाँ पर करने के आए थे? मैं इंटरव्यू के लिए आया था, मैं अपनी बारी का वेट कर रहा था तब से। तो तुम्हारा इंटरव्यू अभी तक हुआ क्यों नहीं? नहीं अभी तक नहीं हुआ, मैं तब से वेट कर रहा था। उन्होंने कहा था बाहर सोफे पे वेट करें। वो किसने कहा था तुम्हें? वो एचआर में होती है, उन्होंने कहा था, मैं तो बाहर वेट कर रहा था इसलिए तब से। अच्छा तुम अभी तक यही हो? शर्म तुम्हें नहीं आती? तुम जैसा ढीठ इंसान मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पूरे दफ्तर को तुमने सर पे उठा रखा है। अपनी सीवी पकड़ो और जाओ यहां से। तुम जैसे बच्चकल की इस कंपनी को कोई जरूरत नहीं है, और अपनी रिश्तेदारियां भी बाहर जाकर निभाओ। कौन हो तुम? उन्हें का भाई है। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? तुम किसी की जाहिरी शख्सियत को देख के किस तरह जज कर सकती हो कि ये काम का है या नहीं? कल से इस ऑफिस में ना आना, मैं जलाल से बात करता हूँ कैसे कैसे लोगों को ऑफिस में उसने रखा हुआ है। और कल से तुम आओ, आओ मेरे साथ। लड़के फिर तुम सुबह से ऑफिस आ रहे हो? जी सर। तुम्हें और क्या पर्क्स चाहिए? सर कुछ भी नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, कोई डिमांड है तो अभी बता दो। सर आप उनको फायर ना करें काइंडली। तुम
उनकी सिफारिश कर रहे हो जिन्होंने तुम्हारी ज़ाहिरी शख्सियत देख के, तुम्हारे कपड़े देख के, तुम्हारी शक्ल सूरत देख के तुम्हें रखा नहीं इस ऑफिस में? सर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का रिस्क चला जाए। चलो ठीक है, शाबाश यार, आओ मेरे साथ चलो। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा, मैं क्या करूंगी? मैं खुद बात करूंगी। क्या बात करोगी तुम, क्या होगा वो, तुम्हारी बात मानू? मैं बात करूंगी। कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं हो सकता। इस शख्स की वजह से तुम्हारी नौकरी बची है, जिस शख्स को तुम ज़ाहिरी शख्सियत दे के जज कर रही थी और तस्दीक की इसकी। सॉरी, आप माजरत, मैं आपसे नहीं, कोई बात नहीं, आप सबमिट करा देती हूँ। थैंक यू सो मच सर। और आइंदा से डी केयरफुल। जी जी, आई एम सॉरी। बस इंशाल्लाह टाइम पे आओ। इंशाल्लाह।